पत्रकारों की जरूरत नहीं है, अब किसी की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ना कोई पार्टी बड़ी है ना कोई व्यक्ति, मेरे लिए मेरा देश बड़ा है, मेरी माँ भारती बड़ी है। जिसके आंचल पर दाग की तो छोड़ो, तुम्हारी बुरी नजर नहीं पड़ने देंगे। अब तुम फांसी पे चढ़ा दो या तुम सूली जहर पिला दो, चलाओ लाठी या गोली, लेकिन अब नहीं पीछे हटेगी ये दीवानों की टोली, ये दीवानों की टोली, ये दीवानों की टोली। अब तो ये रंग दे बसंती है, या तो शहीद करो या तो हमें आवाज बंद करो, हमारी आवाज का गला घोटो, अन्यथा चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, आत्मा तक जोर लगा के बताएंगे कि तुम्हें हमारा हक देना होगा, तुम्हें हमारा अधिकार देना होगा, हमारे रोजगार का अधिकार, हमारी भर्तियों को पूरा कराने का अधिकार, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, हमारा अधिकार देना होगा। सर बात बोले की जो है तो यहाँ पे कि जब सर पे बांध कफन हमने लिया, जब सर पे बांध कफन हमने लिया तो डरना क्या बरछी कटारों से, आसमां ये धारा गुजेंगी अब हुकारों से, आसमां ये धारा गुजेंगी अब हुकारों से। साथियों मूल विषय जो है वो रोजगार का विषय है, और रोजगार आपका भी लक्ष्य है हमारा भी लक्ष्य है। हम एग्जामपुर की टीम जो है अपने लक्ष्य को यानी अपने करियर को दाव पर लगाकर आपके साथ हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस जज्बे में कहीं ये हिंदुस्तान का पहला प्रोटेस्ट होगा जो सुबह 10 बजे से लगातार, इंडिया का पहला प्रोटेस्ट। तुम वो क्रांतिकारी दीवाने हो जो अपनी बात रखने के लिए हर एक मुसीबत, नेट की समस्या झेलते हुए न जाने कहां कहां से इस यज्ञ, ये इस देश की व्यवस्था को बदलने वाले यज्ञ में आहुति बन रहे हो। तुम ये आहुति बने रहो, तुम ये आहुति लगाते रहो, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, इस संविधान को, इस अधिकार, इस हक को देने के लिए हजारों हजारों ने कुर्बानियां दी थी, उनके लहू की सौगंध, मर जाएंगे लेकिन अपनी बात, अपना हक लेकर रहेंगे।